हेलो, वेलकम टू एकता होम फूड्स। भाई आज हम ना बनाए हैं सफेद ग्रेवी में आलू। थोड़ी सफेद नहीं लग रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सफेद ही है। सफेद इन द सेंस थोड़ी सी कलर चेंज हुआ है, पर बोल सकते हैं सफेद, क्योंकि इसमें हमने हल्दी मिर्ची नहीं डाली है। ये बिल्कुल भी लाल और पीली नहीं है बिल्कुल भी, और ऊपर कोई तेल नहीं तैर रहा है, और घी में बनी है, बॉइल्ड आलू से बनी है। बहुत अच्छी अच्छी इसमें चीजें डली है, खसखस है, काजू है, सौंफ है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हेल्दी चीजें डली हैं। तो इसको ना आप जरूर अभी देखिए कि मैं कैसे बनाऊंगी, और आपने इसको जरूर बनानी है। और मेरे चैनल पे अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो अभी जरूर दबाइए और बने रहिए मेरे साथ। और अच्छा लगता है आपके साथ अपनी रेसिपीज शेयर करना। तो लेट्स सी हाउ वी मेक दिस सफेद आलू। हेलो, वेलकम टू एकता होम फूड। तो आइए देखते हैं कैसे हम बनाएंगे सफेद मसाले वाले आलू, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो ये दो आलू मैंने बॉइल्ड करके ले लिया, बहुत ज्यादा बॉइल नहीं किए हैं, हल्के से कच्चेपन है उसमें थोड़ा सा। तो उसको जो है मैंने इस तरीके से काट लिया लंबा लंबा, जिनको हम मैंने घी लिया है, घी में फ्राई करेंगे। बाकी ये मसाले मैंने लिए इसके लिए, काजू है थोड़ा सा 2 चम्मच, और 2 इलायची है छोटी, 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच अदरक पाउडर है, फ्रेश भी आप ले सकते हो, 2 इंच टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके। और साथ ही ये मैंने लिया है धनिया पाउडर आधा चम्मच लिया है, 4-5 लौंग है, और आधा चम्मच नमक है, स्वाद अनुसार नमक लेंगे हम, थोड़ा और चाहिए तो बाद में यूज कर सकते हैं। दालचीनी का मैंने पाउडर करके रखा था, ये ऊपर ऊपर से मैंने लिए ले ली है थोड़ी सी, आधा चम्मच। ये काली मिर्च 1 चम्मच मैंने ली है, एक मतलब 1/4 चम्मच, और ये खसखस है 3 चम्मच मैंने भर के लिए है। और ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है, ये सारी मैंने इसमें भिगो दी है। चाहे तो आप पानी में भिगो दीजिए, चाहे तो आप दूध में भिगो दीजिए। तो ये मैंने दूध में कम से कम 5-6 घंटे इसको हमने भिगो के रखा हुआ है। और तड़के के लिए हमने क्या लिया है, ये जीरा लिया है, तेज पत्ते 2 लिए हैं हमने, और ये जो है लाल मिर्च साबुत लिया, और घी लिया है अगेन तड़के के लिए वही। और ये जो मैंने मसाला मैंने आपको बताया है, ये मैंने भिगो के रखा है, तो इसमें सारी चीजें जो है भीग गई अच्छे से, और उसको हम मिक्सी में डालेंगे, और इसको हम बारीक सा बिल्कुल बढ़िया सा पीस देंगे। अगर थोड़ा आपको पानी दूध और लगे तो आप और डाल लीजिए, लेकिन बारीक से बिल्कुल इसको पीस लीजिए। और एक पैन हमने लिया है जिसको हम ऑन कर देंगे, और उसमें हम जो है अपना ये घी थोड़ा डाल देंगे, जिसमें हमने आलू को, बॉइल्ड आलू को थोड़ा फ्राई करना है। फ्राई मतलब थोड़े अच्छे लाल हो जाए, क्योंकि हम ग्रेवी बनाने के बाद उसमें उसको डालेंगे। तो ये जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है, इसमें हम ये आलू डाल देते हैं। मीनवाइल हम अपना जो मसाला हमने बनाया है, इस तरह से लंबे लंबे आपने मोटे मोटे आलू काटने हैं। अगर आप कच्चे आलू भी फ्राई करना चाहते हैं, तो कच्चे आलुओं को भी आप घी में फ्राई करके लाल कर सकते हैं। और मैंने ये थोड़ा शॉर्टकट दिया है कि एक बार ही आप आलू बॉईल कर लीजिए, 8-10 आलू, तो आप उसमें से अलग अलग चीजें बना सकते हैं। ये वाली वेरायटी बना सकते हैं आप, दही आलू बना सकते हैं आप, आलू टमाटर बना सकते हैं, आलू के पराठे, सैंडविच, वट एवर, यू कैन यूज बॉइल्ड आलू। तो बॉइल्ड आलू जो है ना, फ्रिज में होना बहुत ही हैंडी होता है, तो वो हमेशा रहता है, और बच्चों वालों के घर में तो हमेशा होता ही है, हेल्दी होता है आलू। बॉइल्ड वाला खाना तो बहुत हेल्दी होता है, ये तरफ तल के थोड़ा सा वो हो जाता है, पर ठीक है, रोज कुछ ना कुछ सब्जी तो बनानी होती है, तो क्यों ना ये वेरायटी बनाई थी। तो ये जो अब मैं पीस लेती हूँ, ये हमारे आलू पक रहे हैं। काला मैंने पीसा है, पर ये अभी बहुत बारीक नहीं हुआ है, तो मैं इसको अभी और थोड़ा बारीक करूंगी। ये आलू देख सकते हो आप, अच्छे से इस तरह से लाल कर लेने आलू बिल्कुल बढ़िया से। और ये मसाला मैंने और पीस लिया, ये बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो ये अभी हम ऐसे ही रखेंगे, पहले जो है ये आलू लाल हो गए, बस इनको अलट पलट करके आपने इसको अच्छा सा रेड कलर दे देना है बढ़िया सा, ताकि दिखे कि हाँ भाई आलू जो है फ्राइड है। ये ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं, तो इसको हम जो आलू इसको इसमें से निकाल के जो है, जो जो आपको दिख रहे हैं कि व्हाइट लग रहे हैं थोड़े, उनको पलट पलट के आप उसको थोड़ा घी में थोड़ा सा लाल होने दीजिए। सारे आलुओं को इस तरह से थोड़े थोड़े रेड हो जाएंगे सारे, तो अच्छे लगेंगे। इनको हम निकाल लेते हैं अब दूसरे बर्तन में, और यही घी को हम यूज कर लेंगे थोड़ा कम करके। ये आलू हमने अलग निकाल लिए हैं, अब ये जो घी बचा है ना, बहुत ज्यादा तो है नहीं है, थोड़ा सा ये इसी में हम जो है अभी अपना मसाला डाल देंगे। मसाले के लिए पहले हमने क्या किया, मैंने गैस थोड़ी बंद कर दी है, बहुत तेज थी, और इसमें जीरा हमने डालना है, और हमने तेज पत्ता डाल देना है, और ये जो है हमारी लाल मिर्ची डाल देनी है। अब इसको जो है हल्का सा फ्राई हो जाए, गैस अभी मेरी बंद है क्योंकि बहुत तेज थी, तो अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ। और ये जैसे ही मसाला थोड़ा सा, ये जो हमारा जीरा मिर्ची और तेज पत्ता थोड़ा तड़क जाए, तो हम उसमें जो हमने मसाला बनाया हुआ है उसको हम डालेंगे। ये जो हमारा मसाला रेडी ऑलरेडी,
बस जैसे ये हमारा जीरा रोस्ट हो गया है, गैस हमने बिल्कुल धीरे रखनी है इसके हीट इस समय, और ये मसाला जो है हम इसमें डालेंगे। और अगर आप चाहें तो मसाले में थोड़ा दूध या पानी डाल के हम इसको ऐड कर लेंगे। तो पहले हम जितना है इसमें इसको इस तरह से पूरा निकाल निकाल के हम इसको डाल देते हैं, फिर थोड़ा पानी डाल देंगे। इसी मिक्सी में मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और हिला के इसको अच्छे से यही पानी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमने जो है ना अभी नमक नहीं डाला, बाकी चीजें हमने सारी डाल दी थी उसी मसाले में, पीसे मसाले में, लेकिन नमक नहीं डाला। तो नमक हमने अभी डालना है, लेकिन थोड़ा सा मिक्सी में और लगा हुआ है, मिक्सी के ढक्कन में भी थोड़ा और मसाला है, तो मिक्सी में ये डाल के ढक्कन लगा ये मसाला भी हम इसी में डाल देंगे थोड़ा और पानी डाल के। तो करीबन मतलब कि आप समझ लीजिए कि इसमें 200 मिलीलीटर पानी तो डल जाता है, क्योंकि मसाला जो है ना ये गाढ़ा होता है बाद में। ये जो ग्रेवी जो बनेगी ना, ये खसखस की वजह से, काजू की वजह से काफी ग्रेवी इसकी जो है गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें हम और थोड़ा पानी डाल सकते हैं, तो अराउंड 250 ml तक पानी भी आप डाल सकते हैं, डिपेंडिंग। अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो आप 200 डाल लीजिए, अगर आपको थोड़ा और पतला चाहिए आप 300 ml डाल लीजिए। तो मतलब एक चाय का कप कहने का मतलब है कि आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें जो है हम अपना नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार लें इसमें, मतलब मैंने आधे चम्मच से थोड़ा ज्यादा लिया होगा, बहुत ज्यादा नहीं लिया क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा बॉईल दे देंगे इस मसाले को अच्छी तरह से। प्लस मैंने ना जो काजू लिए हैं वो मैंने और भी थोड़े से काजू ले लिए हैं, अगर आप इसमें डालना चाहते हैं इसमें डाल दो, ऊपर से सजाना चाहते हो ऊपर से सजा ले। तो थोड़ा सा मैं इसमें डालती हूँ, थोड़े से मैं सजाने के लिए रख देती हूँ ऊपर से। इसको करीबन हमने ज्यादा नहीं 3-4 मिनट अच्छे से इसको बॉईल करना है, अच्छे से पक जाए ग्रेवी। ये करीबन 5 मिनट हो गई है मुझे इसको पकाते हुए, तो इस समय आप नमक भी टेस्ट कर लीजिए। वैसे तो इसमें बहुत है, जितना मैंने नमक लिया बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें जो हमने अभी तले हुए आलू थे ये भी हमने इसमें अब डाल देने हैं, और अब इसको जो है ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट तक हमने इसको पकाना है और थोड़ी देर ढक के रखना है। तो ये बस 2 मिनट इसको हम पहले खुले पे मैं पका लेती हूँ। ये 2 मिनट हो गए हम इसको पकाते हुए, अब इसको हम बंद कर देंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि चीज को हमेशा थोड़ी देर जो है ना ढकना है सर्व करने से पहले, निकालने से पहले, तो उसका फ्लेवर आ जाते हैं। तो ये मैं जो है 3-4 मिनट के लिए ढक के छोड़ देती हूँ। ये थोड़ी देर मैंने ढक के रख दी थी, तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी हो गई है सब्जी। इसका टेस्ट ना बहुत डिफरेंट होता है। तो अब मैंने सर्विंग बोल ले लिया, उसमें हम ये डाल देंगे, सब्जी शिफ्ट कर देंगे ताकि ऊपर से हमको थोड़ा काजू वाजू लगा के इसको बढ़िया कर देंगे हम। ये सब्जी हमने निकाल लिया, ऊपर जो मिर्ची और तेज पत्ते का तड़का दिया था वो हमने निकाल के ऊपर इसके लगा दिया ताकि वो थोड़ी सुंदर लगती है। और ये जो हमने काजू लिए ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हो, धनिया है तो आपके पास धनिया भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो बढ़िया सी जो है, ये व्हाइट ग्रेवी वाली, व्हाइट तो नहीं है, थोड़ी सी कलर चेंज हुआ है पर फिर भी व्हाइट ही है, मतलब वो हल्दी और मिर्ची तो हमने इसमें डाली नहीं है। तो उसका जो है रंग बिल्कुल डिफरेंट है, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। प्लस आपको बताना चाहिए खसखस जो होती है ना, खसखस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो खसखस खाना अच्छा होता है, तो आप ऑफन यूज कर सकते हैं खसखस को। खसखस को दूध में या पानी में भिगो के रखें, उसका पेस्ट बना के फ्रिज में रख सकते हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो रेसिपी मैंने आपको बताई है, इसका जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी आप पेस्ट बना के थोड़ा ज्यादा फ्रीजर में रख सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स टाइप आइस ट्रे में डाल के क्यूब्स बना के आप रख सकते हैं। कभी भी ऐसी कोई चीज बनाए, पनीर बना सकते हैं आप इससे, चिकन बना सकते हैं, कोई भी नवरत्न कोरमा जैसे बनाते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं ये ग्रेवी। तो और इस ग्रेवी इज वेरी हैंडी, आप कोई भी चीज इसमें अपने हिसाब से इनोवेटिव करके आप बना सकते हैं। तो ये जो है सफेद ग्रेवी वाले जो आलू है ये आप जरूर बनाइए और सबको खिलाइए, और फिर बताइए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। थैंक यू, सी यू सून विद सम अदर इंटरेस्टिंग रेसिपी विद इनोवेटिव ग्रेवीज़।